हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सब अच्छे होंगे। हमारे नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुख्यतः तीन टॉपिकों के ऊपर। ऐसे टॉपिक हैं जिसके माध्यम से ये क्लियर मैं कर दूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने कमर कस ली है सरकार से पेंशन लेने के लिए, और सरकार भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन देने के लिए बाध्य होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे और किस प्रकार से, वो क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैं यहाँ पे एक एक करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा, आप लोगों के समक्ष रखूंगा विद फैक्ट के साथ। पहले नंबर पे बात कर लेंगे कि डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुलाकात हुई है कितना कारगर साबित होगी। दूसरा, जबलपुर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो मीटिंग थी संपन्न हुई है, उसके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मैसेज है और सरकार तक जो मैसेज गया है उसका क्या असर पड़ सकता है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि पे। और तीसरा, एक पेपर की कटिंग आप लोगों ने देखी होगी, उस पेपर की कटिंग में स्पष्ट रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है उस पर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि करने की बात कही गई है। एक एक करके तीनों चीजों को समझ लेते हैं। पहले नंबर पे डीवाई चंद्रचूड़ के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक, अब ये इनके डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ हैं कौन, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं माननीय डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़। इनके साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगणों के द्वारा इनसे मुलाकात किया गया। उस मुलाकात के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को उनके समक्ष रखा और यह भी बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो पा रही है, उस पर जो तो जल्द से जल्द जो तो यथाउचित संज्ञान ले माननीय सुप्रीम कोर्ट और संज्ञान ले ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार उनका हक दिलाए। तो अगर यहां से उनको हरी झंडी मिलती है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहां से भी बल्ले बल्ले होने वाली, यानी कि बल्ले बल्ले का मतलब एक अच्छी जानकारी अच्छी खबर यहां से भी मिल सकती है। दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम जो एक मैसेज सरकार तक और एक मैसेज ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक पहुंचाना चाहती थी, सभी मैसेज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत ज़्यादा निराश हताश और परेशान भी हैं। उनको मन में कहीं कहीं ये लगने लगा है कि आज पिछले 6 सालों से लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं होगी? उस चीज़ को लेकर तो यहाँ पे एक कमांडर अशोक रावत जी ने क्लियर कर दिया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसी साल ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को करवाने की भरपूर पूरी कोशिश करेंगे। आगे पेपर की कटिंग एक आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो साइड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उसे आप लोग देख लें। पेपर की कटिंग से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर 9,000 रुपए तक की बात कही गई, यानी कि कहीं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि 9,000 रुपए तक की बात कही गई है। तो क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 9,000 रुपए तक की पेंशन मिल जाएगी अथवा नहीं मिल जाएगी? तीनों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसे भी अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9,000 रुपए अमूमन ऐसा लग रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि अगर आवाज मजबूत हुई तो मिल सकते हैं, लेकिन कहीं एक तरफ तो बहुत सारी संस्थाएं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 5,000, एक 7,500 और एक 9,000, कुछ ने तो 10,000 रुपए तक क्लेम किए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इतनी पेंशन की राशि मिलनी चाहिए, लेकिन वो पेंशन की राशि कितनी मिलेगी वो तो वक्त बताएगा, फैसला उस पर क्या आएगा, क्या कैलकुलेशन होगा, क्या वेज होगा, कितना आपने जमा किया है, कितना मिलना चाहिए, कितनी मिनिमम पेंशन होती है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। इन तीनों चीज़ों में से आपको किसके ऊपर, तीनों खबरों में से किसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा हो रहा है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, किसके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया हो सकती है। बाकी फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय।